इस वीडियो का जो हमारा पर्पस है वो है जो थापर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना कि थापर बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई हैं कि सर थापर में एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या मोड ऑफ एडमिशन है, कैसा प्लेसमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि कॉलेज के बारे में कि भाई थापर कॉलेज कैसा है। तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया के सारे कॉलेजेस की बात करूं प्राइवेट कॉलेज में स्पेशली, तो मुझे लगता है कि दो कॉलेजेस बहुत ही टॉप मोस्ट हैं, वन इज बिट्स पिलानी एंड सेकंड इज थापर। तो कॉलेज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एन अमेजिंग कॉलेज, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स वी हैव रिसेंटली विजिटेड टू द कॉलेज एंड वी हैव सीन दैट द प्लेसमेंट्स आर रियली रियली वेरी गुड, ऑल द टॉप मोस्ट कंपनीज विजिटेड ओवर हेयर एंड द कैंपस इज अमेजिंगली ग्रेट। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा है और उसे अगर बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में एडमिशन का मौका नहीं मिल रहा है तो उसे थापर ले लेना चाहिए विदाउट एनी डाउट। थापर कॉलेज प्रोवाइड्स यू अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज इन प्लेसमेंट्स एंड अदर थिंग्स। तो ये थापर कॉलेज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। इनके दो कैंपसेज हैं, एक अपना पटियाला में और एक डेराबस्सी में। डेराबस्सी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच है जिसके बच्चे थर्ड ईयर से पटियाला कैंपस में शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बारे में भी अभी मैं प्लेसमेंट के टाइम बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो अगर आप थापर के साइट पे जाएंगे, thapar.edu पे अगर आप जाएंगे और वहाँ पे आप एक देखेंगे लिंक एडमिशन 2023-2024, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आर ओपन, उसमें अभी उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं डिसाइड की है। उन्होंने अभी ये बताया है कि अगर 8 मई से पहले आप फॉर्म भर देंगे तो 1500 रुपये का फॉर्म है और 8 मई के बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 2000 रुपये का फॉर्म है। इतनी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आता है या पेरेंट्स के मन में भी आता है कि सर व्हाट इज़ द एडमिशन प्रोसेस, व्हाट आर द मोड्स जिससे थापर में एडमिशन मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि थापर का कोई अलग से कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, देर इज नो सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर थापर। उसके लिए दो मोड उन्होंने रखे हैं, पहला मोड है बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे और दूसरा मोड है हमारा जेई मेंस में रैंक के बेसिस पे। तो बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे PCM के मार्क्स वो देखते हैं, किसी के पास वैसे पी एंड एम प्लस केमिस्ट्री या किसी के पास बायो होती है तो उसमें से किसी के देखते हैं। तो आप अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो सिंपली समझ सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की परसेंटेज वो इंक्लूड करते हैं, दैट इज मोड वन। मोड टू वो जेई मेंस के बेसिस पे देखते हैं, जेई मेंस में जो आपकी परसेंटाइल आती है और रैंक आती है उसके बेसिस पे। आप वहाँ पे जब रजिस्टर करेंगे तो आपको कोई सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म से आप ऑटोमेटिकली दोनों मोड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दीज आर द मोड्स टू एडमिशन, 50% मोड वन से, 50% मोड टू से। उसमें भी जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं या जिनका पंजाब में जन्म हुआ है, जिनका रेजिडेंस सर्टिफिकेट पंजाब का है, चाहे वो बाहर शिफ्ट हो गए, उनको 50% रिजर्वेशन है। तो पंजाब के स्टूडेंट्स क्योंकि पटियाला में और डेराबस्सी में है यानी पंजाब, इसलिए पंजाब के बच्चों के लिए 50% रिजर्वेशन भी है। तो ये हो गया हमारा एडमिशन क्राइटेरिया। उसके बाद फीस, ऑन एन एवरेज आप ये मान सकते हैं कि 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में फीस है। तो 4 साल का विदाउट हॉस्टल दिस फीस इज 4.5 लाख टू 5 लाख ट्यूशन फीस। इट इज नॉट सेम इन ऑल सेमेस्टर्स, इट वेरी, एंड हॉस्टल का जो खर्चा है वो अराउंड 1.5 लाख पर एनम के करीब आता है। तो 1.5 लाख के करीब हॉस्टल का खर्चा है एंड 4.5 to 5 लाख इज द फीस। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों के मन में आता है कि सर जो अभी के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प होगी उसमें कि सर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो थापर में मेजरली कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस हैं, जैसे कि वहां की जो टॉप मोस्ट ब्रांच है जो बच्चा प्रायोरिटी पे बढ़ता है डेट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट, एंड देन एक डेराबस्सी कैंपस में केवल कंप्यूटर साइंस है। तो पहली प्रायोरिटी बच्चे की रहती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर साइंस एट डेराबस्सी कैंपस। उसके बाद 3 कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर एंड बिजनेस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर। तो इसमें बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ सकता है कि उसका क्या इंटरेस्ट है। मेरा जो मानना है पहली प्रायोरिटी बढ़नी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट पटियाला कैंपस, सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, थर्ड प्रायोरिटी शुड बी
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट डेरा बस्सी, फोर शुड बी कंप्यूटर एंड बिजनेस सिस्टम्स, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, देन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर में मेजर कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या मिलता है। उसके बाद जो अदर ब्रांचेज हैं जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स, केमिकल, उनमें जो प्लेसमेंट्स हैं वो कोर ब्रांचेज के कम हैं। कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेज में प्लेसमेंट्स ज़्यादा हैं और बच्चे अच्छी प्लेसमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन जो कोर ब्रांचेज हैं उनकी खुद की कंपनियां नहीं आती हैं, लेकिन बच्चे या तो कंप्यूटर साइंस की कंपनीज में प्लेस होते हैं या फिर वो जो अदर डोमेन की कंपनीज हैं जैसे नॉन कोर, नॉन टेक्निकल कंपनीज, जैसे डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड कंपनीज हो गई हैं, या फिर हमारी फिनेंस रिलेटेड कोई कंपनी या मार्केटिंग कोई रोल के लिए, ऑपरेशन रोल के लिए कुछ आती हैं, एजुकेशन रोल्स के लिए भी आती हैं, उनमें सेलेक्ट हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी जो थापर से रिलेटेड सारी क्वेरीज हैं वो रिजोल्व हो गई होंगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पे हम देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जो भी सिनेरियोज चल रहे हैं या जो जो भी एग्ज़ाम्स आते रहेंगे उनके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।